नमस्कार। आज लोकसभा में भारत सरकार के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 2024-25 के लिए अपना पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया। बजट भाषण उनका आज पूरे देश ने सुना। कुछ ऐसे तथ्य इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं जो बजट भाषण में इंगित नहीं थे, जो अन्य मीडिया शायद ही आपको बताए। सबसे पहले बजट की इकोनॉमी क्या है, अर्थात बजट में क्या महत्वपूर्ण है। इस बजट का साइज है 48.20 लाख करोड़ रुपए। इस 48.20 लाख करोड़ रुपए का खर्चा भारत सरकार 2024-25 के दौरान करेगी और इस खर्चे की पूर्ति के लिए भारत सरकार 16.13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेने के लिए विवश है। अर्थात इतना वित्तीय घाटा भारत सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 11.62 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ब्याज चुकाने पर खर्च कर रही है, वो ब्याज जो अब तक कर्जा इकट्ठा हो चुका है। साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार से जब केंद्र सरकार की शिफ्टिंग नरेंद्र मोदी की सरकार पर हुई थी, तब भारत सरकार पर कर्जे का बोझ 56 लाख करोड़ रुपए था और अब 3 गुना तो बढ़ चुका है और 16.13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चालू वित्त वर्ष के बजट में बजटीय अनुमान है। कितना बढ़ता है ये हमें वित्त वर्ष की समाप्ति पर देखने को मिलेगा। कर्जा बढ़ना किसी भी सरकार की सोवेनिरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। निर्मला सीतारमण जी से उम्मीद थी कि भारत सरकार की सोवेनिरिटी की मर्यादा वो कायम रखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब हम टैक्स देते हैं और सरकार बजट के घाटे की पूर्ति के लिए उधार लेती है, तो सरकार से अपेक्षा रहती है, जन अपेक्षा होती है कि सरकार सुशासन दे और हमें वो सब कुछ दे जो एक केंद्र सरकार का दायित्व होता है। मैं 2 महत्वपूर्ण महकमों की बात करूंगा, वे महकमे जो पहिए से चलते हैं। पहला राजमार्ग और परिवहन और दूसरा भारतीय रेलवे। इन दोनों का कंबाइंड बजट 5.33 लाख करोड़ रुपए है। इसमें रेलवे का बजट 2.78 लाख करोड़ और राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन का बजट 2.55 लाख करोड़। साथियों, क्या आपको भारतीय रेलवे और परिवहन विभाग केंद्र सरकार से वो सहूलियतें मिल पा रही हैं जिन पर भारत सरकार मिलाकर 5.33 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है? उदाहरण रेलवे का लीजिए। आज जितनी भी रेलगाड़ियां चल रही हैं, सब में सामान्य यात्री के लिए 2 डिब्बे भी नहीं होते, चाहे एक्सप्रेस रेलगाड़ी हो और चाहे सुपरफास्ट रेलगाड़ी। अन्य गाड़ियों की तो हम बात ही नहीं कर सकते। जब भारत सरकार 2.78 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय पोषण भारतीय रेलवे को करती है, तो भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी और जवाबदेही होनी चाहिए कि सभी रेलगाड़ियों में 50% से अधिक डिब्बे सामान्य यात्रियों के लिए सुरक्षित रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता। एयर कंडीशनर्स डिब्बों की संख्या बढ़ रही है और आम जनता मात्र 2 डिब्बों में सफ़र करने के लिए अभिशप्त। बात राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय की करें, 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट, भारत सरकार से वित्तीय सहायता,
नितिन गडकरी जी का प्रचार प्रसार किया जाता है, इतने किलोमीटर राजमार्गों का, सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण कर दिया। एक तरफ भारत सरकार वित्तीय सहायता देती है और दूसरी तरफ उन राजमार्गों पर जो लोग चलते हैं अपने वाहन लेकर, उनसे इस कदर वसूली की जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी दिल्ली से मुंबई तक जो एक्सप्रेसवे चलता है, उस पर जयपुर से नियरेस्ट कनेक्ट दौसा के पास से है और दौसा से गुड़गांव के राजीव चौक तक वो एक्सप्रेसवे जाता है। उस एक्सप्रेसवे पर कार से 600 रुपये के करीब टोल टैक्स वसूल किया जाता है, अर्थात 3 रुपये प्रति किलोमीटर, और वो भी तब जबकि कार खरीदने वाला ऑलरेडी रोड टैक्स देकर आ चुका होता है। 3 तरह के और टैक्स भी उसने दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो एक्सप्रेस हाईवे पर चलता है तो 3 रुपया प्रति किलोमीटर टोल वसूली, ये अन्याय नहीं तो और क्या है साहिब? सरकार अपने खर्चों पर रिविजिट करे कि जो खर्चा कर रही है उसका किस तरह का कैसा उपयोग किया जा रहा है। मैं चर्चा करूंगा, इस बजट में एक महत्वपूर्ण हेड होता है अनुदान। अगर इस बजट को मैं अनुदान बजट कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले बात कृषि और खाद अनुदान की। कृषि और खाद विभाग का बजट 3 लाख करोड़ रुपए के करीब है। इस 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में 1.64 लाख करोड़ रुपए खाद अनुदान पर खर्च किया जाता है। और किस खाद पर खर्च किया जाता है? यूरिया एंड रिलेटेड। आपने अगर देखा हो पिछले 25-30 सालों में यूरिया का उपभोग करते करते हमारी ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं, ज़मीनों की उर्वरक क्षमता क्षीण होती जा रही है, उनकी उत्पादकता घटती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उस खाद की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए का अनुदान कहाँ तक उचित है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या सरकार को ऑर्गेनिक खाद उत्पादित करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए था? क्या इस तरह की कोई मंशा इस बजट में नहीं जताई जानी चाहिए थी? जतानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं जताई। कृषि महकमे की बात करें, बहुत बड़ा बजट है, लेकिन वहाँ कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का कोई सिस्टम नहीं है जिनका हम आयात करते हैं। हम बहुत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का इंपोर्ट करते हैं। ज़रूरत इस बात की है, भारत में इतना बड़ा भूभाग है, उस भूभाग में दालों की खेती को प्रोत्साहित किया जाए, तिलहन की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। कहने को दलहन मिशन बना रखा है, कहने को तिलहन मिशन भी बना रखा है, लेकिन उनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बढ़ता आयात इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारे यहाँ उत्पादन और खपत के बीच में एक बड़ा गैप है। इस गैप को देश का किसान कवर कर सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार की कोई सुनियोजित कार्य प्रणाली तो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, देश में रेलवे के बाद सार्वजनिक सेवा का सबसे बड़ा उपक्रम था पोस्ट ऑफिस। ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस सिस्टम डेवलप किया था और उस दौर में मात्र 3 पैसे का पोस्ट कार्ड पूरे हिंदुस्तान में अपना संदेश पहुँचाया करता था। किसी को याद है पिछले 10-20 साल में किसी ने पोस्ट कार्ड लिखा हो? शायद नहीं। हालांकि SMS और WhatsApp के इस दौर में डाक विभाग की उपयोगिता बहुत सीमित होने लगी है और डाक विभाग लगातार घाटे की तरफ बढ़ता जा रहा है।
डाक विभाग का बजट हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, 25,000 करोड़ रुपए मात्र है, उसमें भी 21-22 हज़ार करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन पर जाते हैं, 12-13 हज़ार करोड़ रुपए पेंशन में जाते हैं। डाक विभाग को पोस्ट कार्ड, लिफाफा आदि की बिक्री से केवल 12-13 हज़ार करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो मोटे तौर पर ये विभाग घाटे में जा रहा है। सर, एक तरफ कूरियर कंपनियां बहुत बड़ा मुनाफा कमा रही है और दूसरी तरफ पूरे देश भर में अपना कनेक्ट रखने वाला डाक विभाग घाटे में चल रहा है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। एक विभाग है दूर संचार, 1.20 लाख करोड़ रुपए का बजट और उस बजट में 84,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड में पूंजी डालकर उसको प्रमोट करने में किया है। इसकी कोई बड़ी कार्य योजना अभी तक बजट में इंडिकेट नहीं की गई है। साथियों, हम सब उपभोक्ता हैं, भारत सरकार में उपभोक्ता मामलात मंत्रालय है, 10,200 करोड़ रुपए का बजट है और इस विभाग की जिम्मेदारी है जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में महंगाई आए तो उस महंगाई को वो नियंत्रित करे। इसके लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है मूल्य स्थिरीकरण कोष के नाम से, लेकिन इस रकम का कब कहां कैसे उपयोग हो रहा है इसका असर महंगाई पर कहीं दिखाई नहीं देता। कभी टमाटर 300 रुपए किलो बिक जाता है, कभी अरहर की दाल 300 रुपए किलो बिक जाती है, कभी प्याज 100 रुपए किलो को पार कर जाती है, कभी खाद्य तेल 200 रुपए किलो के पार हो जाते हैं, तो फिर इस मूल्य स्थिरीकरण कोष का क्या उपयोग किया जा रहा है कोई बताएगा? फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। साथियों, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट 2.13 लाख करोड़ रुपए का बजट है और इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन अनुदान पेटे हैं। ये अनुदान उस खाद्यान्न पर दिया जाता है जो किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित एजेंसियों के गोदामों में रखा जाता है और उसके बाद निःशुल्क वितरित किया जाता है। ये एक कम्प्लीटली डिफेक्टिव सिस्टम है। सरकार इस सिस्टम पर विचार करे। जो 2.5 लाख करोड़ रुपए आप अनुदान पर खर्च कर रहे हो उससे बेहतर है पूरे देश के सभी ब्लॉक और पंचायत समिति क्षेत्रों में सरकार फूड एंड डेयरी क्लस्टर्स की स्थापना करे। उन फूड एंड डेयरी क्लस्टर्स में इन अनाजों से, कृषि जिंसों से, कृषि उत्पादों से कई तरह के खाद्य उत्पाद बनेंगे और घरेलू बाजार में और निर्यात बाजार में भेजे जा सकेंगे। यह परिवर्तन करने के लिए एक माइंडसेट की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है जो आज के बजट भाषण में कहीं भी देखने को हमें नहीं मिली। हम कब तक इस फूड सब्सिडी को वहन करते रहेंगे? साथियों, एक विभाग है कॉमर्स, वाणिज्य विभाग, उसकी जिम्मेदारी है भारत से निर्यात को बढ़ावा देना। विभाग का बजट यूं तो 5,800 करोड़ है लेकिन देश से निर्यात बढ़ाने के नाम पर जो खर्चा होता है वो 600 करोड़ रुपए भी नहीं। बाकी पैसा किन मदों में खर्च होता है वो एक बहुत शोचनीय स्थिति, चिंताजनक स्थिति। देश में दो प्रमुख सामाजिक सेवाएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बजट दो भागों में विभाजित है, एक उच्च शिक्षा और एक स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा में 88,000 करोड़ का प्रावधान है,
और उच्च शिक्षा में 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। उच्च शिक्षा में जो 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं उसमें 40,000 करोड़ रुपए तो विभिन्न संस्थाओं और इनको वितरित कर दिया जाता है। इसी तरह स्कूल एजुकेशन पर जो बजट खर्च होता है उसमें मोटे तौर पर 36-38 हज़ार करोड़ रुपया सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च होता है। मैं यहाँ एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि जब एजुकेशन और हेल्थ को सरकार ने स्टेट का सब्जेक्ट बना रखा है, केंद्र ने इस पर क्यों कब्जा कर रखा है? केंद्र के पास इन दोनों सामाजिक सेवाओं के लिए जो धन हो वो स्टेट्स को ट्रांसफ़र कर दे ताकि स्टेट्स उस पैसे से अपने यहाँ शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बना सके। एक और महत्वपूर्ण बात, ग्रामीण विकास 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट, लेकिन देश के गांवों की हालत आपने देखी है। मनरेगा योजना का उदाहरण सामने, 40-40 हज़ार करोड़ रुपए सालाना मनरेगा के लिए मिलते रहे हैं, लेकिन मनरेगा से ग्रामीण इलाकों में वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हम आज तक डेवलप नहीं कर पाए जिसकी ज़रूरत थी। पैसा सरकार की ट्रेजरी से चलता है, जिला कलेक्टरों के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक पहुंचता है, लेकिन उस पैसे का प्रोडक्टिव आउटपुट आए इस दिशा पर देखने या सोचने का काम कभी भी नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक श्रम विभाग का जिक्र मैं जरूर करूंगा, 22,500 करोड़ रुपए का बजट, कहां कहां वो पैसा खर्च होता है मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों असफल रही। श्रमिक को जब भी कोई तकलीफ होती है श्रम विभाग में जाता है, वहाँ उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। साथियों, बातें बहुत सी है और हमें उम्मीद थी कि निर्मला सीतारमण जी बजट में कुछ रिफॉर्म करेंगी, एक माइंड बदले हुए माइंडसेट के साथ कुछ नया करेंगी ताकि भारत सरकार की सोवेनिरिटी की मर्यादा कायम रह सके, ताकि जन जन की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयकर की चर्चा करना मैं यहाँ बिल्कुल नहीं भूलूँगा। जिस तरह से पिछले 20-25 साल में देश में महंगाई बढ़ी है, आम आदमी की क्रय शक्ति बिल्कुल नहीं बढ़ी। इस क्रय शक्ति में इजाफा तभी संभव है जब सरकार कम से कम 12 लाख रुपए वार्षिक आय को कर मुक्त करे। ये करती है तो एक्सपेंडिचर के लायक अमाउंट एक आम आदमी के पास मिलता है, लेकिन सरकार ने नहीं किया। टैक्स पर टैक्स लगा रखा है। देश का मध्यम वर्गीय आयकरदाता इस बात से पीड़ित है कि वो आयकर तो देता ही है, आयकर के साथ कई तरह के टैक्स देता है। जिस व्यक्ति की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए वार्षिक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, उस आदमी की पॉकेट से 55,000 से 60,000 रुपए टैक्स के रूप में जा रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति है और सबसे बड़ी विडंबना वाली बात कि उस टैक्स राशि का सदुपयोग केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं कर रही। दूसरा, जीएसटी जब लाया गया था, सबसे सरलतम कर प्रणाली बताया गया था, लेकिन जीएसटी में बहुत पेचीदगी भरे तरीकों से टैक्स वसूल किया जाता है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, किसी आदमी ने बिल्डर से 50 लाख रुपए या अधिक मूल्य की कोई संपत्ति खरीदी, उस पर 5% की दर से जीएसटी लगता है। इसमें दो पेच हैं। पहला, अगर वो संपत्ति बन रही है, आपने बुकिंग कराई और टुकड़ों में उसका भुगतान करते रहे,
तो आप जीएसटी देने के लिए जिम्मेदार हैं। और जब वो संपत्ति बनकर तैयार हो जाती है और तब उसको बिल्डर बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। ये तो उसी तरह हो गया कि आप किसी हलवाई की दुकान पर गए, जलेबी बन रही है, आपने हलवाई को पहले पैसा दे दिया कि भाई 1 किलो जलेबी मुझे दे दें, तो वो जलेबी पर जीएसटी काट लेगा। और हलवाई के थाल पे जलेबी भरी हुई रखी है, आप गए कि भैया मेरे को 1 किलो जलेबी दे दो, तो वो जीएसटी वसूल नहीं करेगा। मतलब कितना विसंगत, पेचीदगी भरा टैक्स भारत सरकार वसूल कर रही है। ये टैक्स जिन करदाताओं से वसूल किया गया है वो वापस किया जाना चाहिए, ये इस मंच से हम मांग भी करेंगे। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, आपका समय बहुत लिया, फिर कभी मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।